भिवंडी स्थित कल्याण रोड अप्सरा टॉकीज के पास भारतीय कामगार संगठना संलग्न भिवंडी शहर अध्यक्ष नजीर शब्बीर शेख उर्फ पप्पन के जनसंपर्क कार्यालय पर तथा भारतीय कामगार संगठना संलग्न भिवंडी शहर अध्यक्ष नजीर शब्बीर शेख उर्फ पप्पन के नेतृत्व में तथा मान्यवरों के उपस्थिति में भारतीय कामगार संगठना संलग्न के कार्यकर्ताओं द्वारा महिला मेलावा तथा पक्ष प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नूरुन निसा को भिवंडी पूर्व महिला अध्यक्षा पद पर व यास्मीन बानो को भिवंडी पूर्व महिला उपाध्यक्षा तथा नूर जहां बानो को भिवंडी पूर्व सचिव पद पर मान्यवरों के करकमलों द्वारा नियुक्ति पत्र देकर नियुक्त किया गया, तो वहीं भारी संख्या में महिलाओं ने पक्ष में प्रवेश भी किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष साजिद खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी यासिन चौधरी, राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान खान, मुंबई वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हैदर सैयद, महाराष्ट्र प्रदेश महिला अध्यक्षा सविता पुजारी, महाराष्ट्र चिटनिस आशिया शेख, महाराष्ट्र सचिव शाहजी शेख, मुंबई वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ शेख, मुंबई वड़ाला वार्ड अध्यक्षा परवीन शेख, मुंबई वड़ाला वार्ड उपाध्यक्षा शाहिमा सैयद, उपाध्यक्ष भिवंडी शहर मुजम्मिल खान, विभाग अध्यक्ष सलमान खान सहित भारी संख्या में मान्यवर उपस्थित थे। फोकस ये रखेंगे कि जितना भी लोगों को परेशानी है ये महामारी में, चाहे वो जॉब्स के रिलेटेड हो या एडमिशन हो, तो मैं यही चाहूँगा कि यहाँ की टीम जो है लोगों की मदद करे, अपनी जो पुरानी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको रिज्यूम करने में लोग आगे आए, और लोग हमारा यही फोकस रहेगा कि हमारी संगठन लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आने में जितनी सी जितनी मदद हो सकती है, जितनी नजीर भाई के नेतृत्व के अंदर हम लोग यहाँ पे अंजाम देना चाहते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नज़ीर भाई जो है ये पोस्ट अच्छे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर यहाँ पे शिवसेना का परचम बुलंदी से लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। भिवंडी वालों से मेरी पर्सनल एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आज जो अनएक्सेप्टेबल थे महाराष्ट्र के अंदर खास करके, और उसको एक्सेप्टेबल बनाया अपने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने, तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने नजीर भाई को भरोसा करके 199 बहुत बड़ी रही वोट नहीं है, लेकिन फिर भी अहमियत रखते हैं एक कैंडिडेट के लिए, तो भिवंडी के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने अच्छे सीएम के नेतृत्व से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उनके मार्गदर्शन में ही कर रहे हैं। तो भिवंडी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा नाम है हाजी यासिन चौधरी, मैं आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना अच्छा सीएम मिला है, उन सीएम के हाथ के नीचे काम करने वालों को ऊपर आप उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना अपने सीएम पे करते हो।
चांगला मोठ्या प्रमाणात आणि सगळीकडे टीम ॲक्टिव्ह राहिली पाहिजे. जिथे तिथे काम व्यवस्थित, महिलांचे समस्या ज्या आहेत त्या सुटल्या पाहिजे. आणि आज सगळ्यांना पद वाटप केले त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना शुभेच्छा देते. मैं मुझे आज यहाँ पे पोस्ट दी है, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी लेडीज़ों के साथ में बस यहाँ के लिए सुसेना की तरफ से काम करना चाहती हूँ. हमारे सीनियर मुंबई से आए हैं टाइम निकाल के, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. और जो आज महिलाओं को पद दी गई है उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छा काम करें झंडी में और मिलजुल के कामगार संगठन हमारी बढ़े उसके लिए काम करेंगे सब. भिवंडी आके बहुत खुशी हुई जिस तरीके से हमारे भिवंडी के शहर अध्यक्ष नज़ीर भाई ने काम किया है. और वैसे भी वो दो बार इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, कुछ वजह से उनकी हार हुई, लेकिन अभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है. और मैं भी शिवसेना के हमारे चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव साहब से भी अपील करूंगा कि इनको इस बार का नगर सेवक का टिकट दिया जाए. और क्योंकि इनका काम जो इतना बेहतरीन है, जो लोगों में घुल मिल के काम करते हैं, हर एक की समस्या पूरी करने की कोशिश करते हैं, हमको भी पूरा विश्वास है कि आगे भी ये ऐसा काम करेंगे. इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं और जितनी मेरी बहनों ने पद लिया है मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि वो अच्छा काम करें.